is the midpoint of AC. If B is already the midpoint of AB, and this line BE is parallel to BC, that is given in the question. We are proving that the converges at this point. One, B is the midpoint of AB, and E must be the midpoint of AC. We are going to prove. What we have done is, in the construction, we have taken this CF as parallel to this AB. If this line is parallel to AB, can we say that CF is also parallel to AB? What is the purpose of delta? You can take these two angles as alternate interior angles, and A and C are also alternate interior angles. So by angle side, these two triangles are congruent, and AE will become equal to CE by C. अब ये बताओ इस समय इसको parallelogram prove करने से क्या benefit हुआ था? आपने गिवन लिख लिया था, गिवन लिखा था, प्रूफ लिख लिया था, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, राइट डाउन कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस बी टू एफ Produce BE to F such that CF is parallel to AB. Produce BE to F such that CF is parallel to AB. AB. CF is parallel to पूरा कंस्ट्रक्शन में साइड ए बी के पैरल करेंगे, लिखने में हाफ लिख लेंगे, अभी चलिए हमें लिखते हैं ए बी सी एफ इज पैरल टू ए बी. नेम चेक करो, नेम सेम है, कोई नेम तो नहीं मैंने चेंज कर दिया. आवाज नहीं, बिल्कुल सी एफ इज पैरेलल टू ए बी. दिस इंप्लाइज सी एफ इज पैरेलल टू यू. ओके, बी इज पैरेलल टू बी सी. दिस इंप्लाइज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. दिस इंप्लाइज बी सी एफ डी इज अ पैरेलल. गॉट इट? एनी डाउट? दिस फिगर has become a parallelogram. Now you can use all the properties of the parallelogram if you want to use here. Now I'm writing one thing. CF is equal to BD
opposite side of parallelogram are equal. AB is equal to AB is equal to BB given. This implies CF is equal to AB. Here in the calculus, AB is equal to given. Then when I record, C is equal to AB in parallel. This is something that CF is equal to equal. But the BB is equal to AB. What do you mean? अभी क्यों चाहिए? क्योंकि ये चाहिए किसमें? कॉन्ग्रेंस. तो आप यहाँ ना लिख लो तो आगे लिखना है, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा. अगर आपको याद रहे तो आप यहाँ लिख दो, नहीं याद रहे तो कॉन्ग्रेंसी के रीजन में लिख देना, तब भी चलेगा. मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप यूज कर लेना, ये सारा कुछ इसके रीजन में दे देना. अगर कॉन्ग्रेंसी के टाइम से पहले आपको ना याद रहे तो कॉन्ग्रेंसी के साथ भी दे सकते हो. मतलब जब आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हो ना, तो ये इसके इक्वल लिखे, ये रीजनिंग इसकी ब्रैकेट में दे दो, तब भी चल जाएगा. नाउ टेक टू ट्रायंगल्स इन विच वी आर गोइंग टू प्रूव देम एज कॉन्ग्रेंस. ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आएगा, बीच में क्या आएगा, ठीक है? अगर आपको तीन में से कोई दो नेम मिल जाते हैं तो तीसरा अपने आप करेक्ट होगा. तो नेम का स्पेशली ध्यान रखो. पहले जो आपने सेवंथ क्लास में ये चैप्टर दिया था, तब मार्क्स डिडक्ट नहीं होते थे, बट इन नाइन्थ पर्टिकुलरली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द नेम्स, अदरवाइज मार्क्स विल बी लॉस्ट. अगर ए बी बनता है, आपने बी ए लिख दिया, ठीक है? हाँ जी, कॉन्ग्रेंसी तो प्रूव करने जा रहे थे, आगे लिख कर सकते हैं, लेकिन मैं यही तो बता रही हूँ, क्योंकि जो नहीं यहाँ लिखती हो वही कॉन्ग्रेंसी में लिखती हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में देखती हूँ. गलत हो जाएगा. ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल सी है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी आना चाहिए. ई के साथ ई है वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल, तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग ई भी आना चाहिए. तो जब बच गया वही आ जाएगा बाकी रिमेनिंग स्पेस, ठीक है? अब आपके पास सबसे पहला क्या रीजन आएगा इसमें, रिद्धिमा बोलो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, आप बोलो. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. हाँ जी, नेक्स्ट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हम ये ना देखें तो कौन सा ले सकते थे? एंगल ए एंड सी ले सकते थे, और ये क्या आएगा? ये सारा कुछ किया है ना, यही तो है. ये क्या आएगा? रूट. ये इसीलिए प्रूव किया था क्योंकि यहाँ नीड थी. तो यहाँ ये सारा कुछ जो लिखा है ना, वो इसकी ब्रैकेट में आएगा दोनों चीजें. अगर आप ये यहाँ ना लिखते ना, तो ये जो रीजनिंग है ये इसकी ब्रैकेट में आएगी. जितना भी ये पार्ट है ना, वो इसकी ब्रैकेट में यहाँ आ जाता है, तब भी चल जाएगा, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एडीई इज कॉन्ग्रेंट टू. अभी तो प्रूफ दे बॉब लिखना, ठीक है? अभी क्या वो मिल रहा है ट्रायंगल की कौन है वो बोल रहे हैं by AE. Triangle congruent हो गए, that means AE is equal to CE by CE से AE. क्या आगे लिख दें यहाँ पे, क्योंकि स्पेस में AE is equal to CE by this implies CE is the midpoint of AC. Got it? Clear?
example number 7 we know that is very very important. For me, 10th class me liya, the same question you will hear. For example, kya hai? Unko bhi three words ka abhi unka paper hoga na? Isme the primary chapter karoge to ye jo sare wahan pe midpoint theorem bhi use hogi wahan pe. Uska converse bhi use hoga. जो भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स किया है ना ये 9th क्लास में सेम ट्रायंगल चैप्टर दोबारा आएगा वहां यूज करेंगे यहां हमने किया है कॉन्ग्रेंसी वहां हम करेंगे सिमिलैरिटी पूरे 10th क्लास में सिर्फ एक बार ये टॉपिक आता है सिमिलैरिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है जब तक आप ये मैथ्स पढ़ोगे ना 12th तक ट्रायंगल चैप्टर कॉन्ग्रेंसी अब पढ़ लिया ना 9th में दोबारा नहीं आना यूज कहीं हो सकता है साइंस में भी यूज हो सकता है किसी फिगर में लेकिन ये वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट आएगा दोबारा और ऐसे ही सिमिलैरिटी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो भी 10th में ही सिर्फ आएगा ठीक है और ज्योमेट्री सिर्फ 10th तक ही है 11th और 12th में उसकी टाइप चेंज हो जाती है ऐसी चीजें नहीं आएंगी टॉपिक ही चेंज हो जाएंगे वहां जाके ऐसे नहीं आगे फर्दर मैथ्स जो है वास्ट होता जाएगा ठीक है ये वाली चीजें नहीं आएंगी इनका यूज होगा लेकिन टॉपिक चेंज होते जाते हैं आगे ज्योमेट्री का सिर्फ वहां पे दो चैप्टर है ट्रायंगल और सर्कल और जो सर्कल आप यहाँ करोगे वो बहुत वास्ट है जो वहां करोगे वो सिर्फ एक टॉपिक है बस वहां पे बिल्कुल न्यू है वो यूज होगा सब कुछ सर्कल का जो अब आप करोगे 9th क्लास लेकिन वहां पे डिफरेंट पढ़ोगे आप ठीक है वहां पे अलग चीजें एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको कहता है सुन लो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप अपनी बुक से रीड कर लेना आपको पता चल जाएगा इजी है बहुत लेकिन उन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है वर्बली वैसे ही बता देते हैं आपको नहीं एग्जाम्पल ही कर देते हैं सुन लो कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही बनता है और सॉल्व करने के लिए आपको कहता है ट्राइंगल है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है लाइन इसके मिड पॉइंट के साथ एक लाइन है ये कौन सा रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है फॉर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इन साइड दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो गया इसके हाफ के जो दिस इज बाय मिड पॉइंट अब देखो इसके बारे में हमने कह दिया अब क्या कहते हैं कहते हैं अब जो दूसरे साइड का मिड पॉइंट है ना इसको ज्वाइन कर दो और ये लाइन इसके क्या हो जाएगी पैरेलल और हाफ के इक्वल बाय क्यों हो जाएगा ये इसकी पैरेलल मिड पॉइंट क्या आप कह सकते हो ये जो डीएफ लाइन है ये भी एसी के क्या है अच्छा एक और बात यहाँ पे एक और रिजल्ट देखो अब कहते हैं इसको भी ज्वाइन कर दो ये लाइन इसके पैरेलल टू बी अब यहाँ देखो इसको छोड़ ये लाइन इस पूरे के पैरेलल थी इसका मतलब ये लाइन इसके भी क्या होगी ये लाइन इस पूरे के पैरेलल थी तो ये लाइन इसके भी ये क्या बन गया ये क्या बन गया pair of opposite side of a quadrilateral is parallel then it will be a parallelogram अब यहां देखना अगर ये parallelogram है तो ये जो छोटा ये बन रहा है ये क्या है कैसे ये इसके parallel ये भी क्या है parallelogram इसको कंप्लीट कर दिया ये क्या है parallelogram इसका मतलब कि सारे जो इसके अंदर तीन फिगर्स बन रही हैं ये भी parallelogram है ये भी parallelogram है ये भी अब एक और बात जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था एक थ्योरम नंबर 1 2 की थी द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू बाकी पढ़ना छोड़ दिया ना कुछ नहीं पढ़ते ना अच्छी बात है रिजल्ट अगर नहीं आते तो कैसे अप्लाई करोगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट है अब यहां देखो ये पैरेललोग्राम है ये डायगोनल है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोनों क्या है ये पैरेललोग्राम है ये डायगोनल है ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट ऐसे ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट सारे कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये
इसके कॉन्ग्रेंट आपस में चारों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऑलवेज हैव इक्वल एरिया. सुन रहे हो? कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऑलवेज हैव इक्वल एरिया. व्हाई? उनकी शेप और साइज दोनों सेम होता है, इसका मतलब सारी साइड सेम होगी, सारे एंगल सेम होंगे, इसका मतलब फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करेंगी इसका मतलब उनका एरिया क्या होगा? लेकिन अगर किसी दो फिगर का एरिया सेम होगा तो जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रेंट होगी. कैसे? सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सिंपल ट्रायंगल है, इसका एरिया 24 है, इसका एरिया 24 है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, दोनों चीजें एरिया सेम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट है. लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऑलवेज इंप्लाई इक्वल है, इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? सेम हो गया. अब यहाँ पे आपको कह रहा था कि प्रूफ करो, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. तो ये कहता है प्रूफ करो ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, हमने कर दिया प्रूफ. एक और बात आपको बताने की, अब ये मैंने आपको अभी बताया कि सबका एरिया सेम है, इसका मतलब इन दोनों के एरिया की रेशियो क्या होगी? पूरा ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? फोर. ठीक है, और छोटा ट्रायंगल की रेशियो क्या है? वन. बड़े ट्रायंगल की रेशियो क्या है? इसकी रेशियो बड़े के साथ क्या आ गई? ये क्वेश्चन आया था पेपर 10th क्लास. ठीक है, रेशियो क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलैरिटी वहां पे है टॉपिक और सिमिलैरिटी मींस रेशियो. ठीक है, तो वहां पे ये आया था कि सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बताओ छोटे ट्रायंगल की रेशियो बड़े के साथ क्या होगी? 1:4. एक और बात, इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो बड़े वाले के साथ क्या होगी? एक है 1:1, टोटल कितना हो गया? 2. टोटल कितना हो गया? ऐसे कोई भी आ सकता है. इन थ्री ट्रायंगल की रेशियो क्या है? आपको कॉन्ग्रेंट करना आएगा, अगर प्रूफ करने में आएगा, साथ में रेशियो भी पूछ सकता है. हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए. क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल DEF टू ट्रायंगल ABC. तो रेशियो तो आई सकती है, आपको इजी है, तो कंसेप्ट रेशियो तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो. ठीक है, तो ऐसे कोई भी कंसेप्ट एड ऑन हो सकता है. क्लियर? बुक में लिख लो, ये जो आपका एग्जांपल है उसके साथ ऐड कर लो. ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो क्लियर हो जाएगा. DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज डन बाय 1. वो दो ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल को 2/4 आएगा ना, कटिंग करके 1/2. तो अगर ऑप्शन में 2/4 है, 1/2 है, तो आपने 1/2 आंसर दिया. अच्छा, दोनों ही सेम हो गए, बोथ वाला भी हो सकता है. बोथ वाली ऑप्शन भी याद रखना, हो सकता है ऐसे हो. बोथ ए एंड बी, तो ये आंसर है, तो इसका मतलब भी तो 1/2. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है. एग्जांपल नंबर 8 सुन लो जरा क्या कहते हैं इसमें. आप रीड करोगे ना आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, एक बार आप सुन लोगे उसके बाद रीड करना आपको आ जाएगा. क्या कहते हैं आपको? थ्री लाइंस है, थ्री लाइंस की ट्रांसवर्सल है जो इक्वल इंटरसेक्ट में कट कर रही है. इक्वल इंटरसेक्ट का मीनिंग समझ रहे हो? ये और ये इसकी रेशियो इक्वल है. इक्वल मतलब 1:1 में डिवाइड है. ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है. क्लियर? अब आपको कहते हैं यहाँ पे एक और ट्रांसवर्सल है
हाँ जी, अब आपको कहता है ये जो है ना इसको इक्वली डिवाइड करना, इक्वल रेशियो में आप प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है ये भी इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करो। कहने का मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम जो लगती है वो किस में लगती है, ट्रायंगल में लगती है। अब ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, पता है कहाँ क्या करना है, वहां से अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ देखो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तीनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये पॉइंट क्या है, ये लाइन इसकी क्या है, कौन सा रिजर्वेशन अप्लाई होगा, एक मिड पॉइंट है और ये साइड इसके पैरेलल है, कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा। मैंने पूछा कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, मिड पॉइंट या उसका कन्वर्स, जब दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट दिया होता है तो कन्वर्स। अभी तो किया, अभी किया है, कितने दिन पहले, मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट पहले, वो भी शायद ज्यादा ही कह रही हूँ। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, then by converse of midpoint theorem this point will be the midpoint of this line, clear? अब इसको छोड़ देते हैं, इस triangle पे आ जाओ, ये triangle बन रहा है, ये क्या है, midpoint इस line का, कहाँ से आया, पिछले वाले से, proof दे दो सर, ये side इसकी क्या है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आ गए ट्रेपेज़ियम की तरह, ये साइड इसके पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में लाइन डाल दो आप, तीन लाइनें होगी पैरेलल, इसको कर दो ज्वाइन, ये बन गया ट्रायंगल जो पहले बन रहा था यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला जो सेकंड ट्रायंगल है वो बन जाएगी, प्रूफ से जब क्वेश्चन चेंज हो गया, थ्री लाइंस की जगह बन गया ट्रेपेज़ियम, और ट्रेपेज़ियम में एक लाइन आप डाल दो बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर है, क्वेश्चन सेम है, प्रूफ सेम है, बस देने का मेथड डिफरेंट, क्लियर है, ठीक है शब्द, क्लियर है, मैंने क्या बोला है, आ जाओ बाहर, इधर इधर आके बताओ, फिर वहीं से बोल दो क्या बोला मैंने, अरना बोलो मैंने क्या बोला है, कुछ भी बता दो जो आपको पता है, कुछ और मत बताने लग जाए ना, इसके रिलेटेड ही बता दो, बताओ नीचे करो, हाँ अब दोबारा बताओ, हाँ बताओ, ये मैंने क्या बताया, ट्रेपेज़ियम में क्या दिया हुआ, बोलो जल्दी से, क्या डायग्राम तो हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन, जतिन एक्सप्लेन करो, ऐसे करना एक्सप्लेन कि उनको समझ आ जाए, जो वो बोल जल्दी जल्दी बोलो, आपने ट्रेपेज़ियम में बताया था कि ऑलरेडी पैरेलल होती है ट्रेपेज़ियम का वन पेयर, और सेंटर में एक लाइन डालनी है पैरेलल बन गई, तो कितनी लाइंस होगी टोटल, इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों क्वेश्चन में, दोनों में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा और सेम प्रूफ है दोनों का, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहे हैं, हो सके तो सुन लो कुछ, आपके लिए है पेपर, मैंने तो देने नहीं, सीधी सी बात है,
ठीक है, देख लो कैसे क्या करना है, आपका फ्यूचर है हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, आप क्लास में बैठे हो फिर भी नहीं सुन रहे, ठीक है। हम इसको ए की बी होगी, ठीक है, ये लाइन बी होगी वहां पे, मैंने भी तो आप बना लेना किस तरह से बनाना है कि इसको इक्वल डिवाइड कर, तो ये क्या बन गया, ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय मिड पॉइंट कन्वर्स अ मिड पॉइंट दिस विल आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। नाउ लेट्स टेक दिस ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट, this line is parallel to this, by converse of midpoint this will also become the midpoint of the another side of the triangle. Clear? At question number 1, exercise 8.2. Question number 1 may जिसको कहा जाएगा वो यहाँ पे आके स्क्रीन पे सामने एक्सपीरियंस होगा, किसी की भी टर्न आ सकती है। कि मैंने क्या बनाया, पी क्यू आर एस एबीसीडी, क्वेश्चन रीड किया नहीं किया, रीड करो कम से कम 2 times, सारे रीड करो क्वेश्चन, एबीसीडी क्या गिवन है, पी क्यू आर एस क्या गिवन है, जहां मिड पॉइंट गिवन है क्या लगेगा, जहां दो दो मिड पॉइंट गिवन है वहां लगेगी मिड पॉइंट, अगर किसी एक ट्रायंगल में इफ ओनली वन मिड पॉइंट इज गिवन देन इट विल बी कन्वर्स। अब यहां देखो ये क्यों ट्राई किया, जितना प्रूफ आप इसका करोगे, जितना भी इसका प्रूफ है तो सारे क्वेश्चन में पहले बोला पार्ट ही आना, इसलिए ये आना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो प्रूफ है सेकंड में भी यूज होना है, थर्ड में भी यूज होना है, फोर्थ में भी यूज होना है, फिफ्थ में यूज होना है, जितना इसका प्रूफ है सब में लिखना ही, ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, सिर्फ नीचे वाले बॉटम वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी और क्यू क्या है, ये लाइन इसके क्या होते हैं, और इसके आपके हाफ मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ AB and BC. This implies by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Clear? अब यहाँ देखो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, सिमिलरली RS AC के क्या होगा, ठीक है, तो ये भी लिख देना ऐसे ही आपने, सिमिलरली RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब तीनों आपस में क्या होगी, पैरेलल। This implies can we say that PQ is parallel to RS? Yes sir. अब ये देखो, ये साइड इसके हाफ के इक्वल है, ये साइड इसके हाफ के इक्वल है, दोनों रिजल्ट के अंदर राइट साइड क्या है, तो लेफ्ट भी क्या होगी, दिस इंप्लाइज अब ये दोनों पैरेलल और इक्वल बन गए, अगर किसी क्वाड्रिलेटर की वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल होती है तो वो क्या होता है, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, फिगर ड्रॉ कर ली है, गिवन लिख लेना अपने आप, टू प्रूफ लिख लो जल्दी करो फटाफट लिखो, ये प्रूफ स्टार्ट करो, बस इतना ही है, सब में कॉमन है, ये लिखना ही लिखना, हाँ जी नहीं गिवन टू प्रूफ के लिए स्पेस छोड़ दो, पहले प्रूफ नोट कर लो फिर गिवन टू प्रूफ ऐड कर लेना, या लिख लो गिवन स्टार्ट कर लो, अभी लिख लो टाइम,
अटेंडेंस नोट करनी है ऑनलाइन की, लिख लो जल्दी करो 1 16 17 27 45 7